पहली चीज ये है कि अपने ऊपर नजर डालें, अपने इनिशिएटिव पे नजर डालें, अपने विजन पे, अपने गोल पे, अपने एम्स पे, स्टैट्स पे, स्ट्रेटजीज पे, मार्केटिंग पे, एचआर पे, इन पे अपनी नजर डालें कि कहां पे गलती थी। अपनी गलती तलाश करें। जो शख्स अपनी गलती तलाश करने में सबसे पहले होता है ना, वो सबसे आगे। कोई दूसरा मेरी गलती पॉइंट आउट करे इससे पहले मैं अपनी गलती खुद निकालूं। यार अदील तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, यार तुमने ये गलत कर दिया। अपना सेल्फ एनालिसिस, हासिबू अनफुसकुम कबल अन तुहासबू, अपना हिसाब पहले ले लो, अपनी अकाउंटेबिलिटी पहले ले लो इससे पहले कि कोई और तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी। तो पहली चीज ये कि अपनी अकाउंटेबिलिटी ले कि मैंने क्या गलत किया, कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, या क्या चीज मैंने ज्यादा कर दी, या क्या चीज मैंने महल पे नहीं की, क्या चीज मुझे इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी, क्या चीज मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, क्या चीज मुझे अभी नहीं करनी चाहिए थी, बाद में करनी चाहिए थी। ये अपना हिसाब ले लो। इसके अंदर अगर आपको नजर आ जाए, और अक्सर को नजर आ जाएगा अगर आप कबूल करने वाले हो ना, अगर आप ये नहीं कि देखकर अपनी गलती देख के और बोले मैं सुसाइड कर लेता हूं, मेरा दुनिया में और कुछ नहीं बचा, ये मेरी गलती होगी। अब देयर इज नो सेकंड चांस, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस इन दिस वर्ल्ड इंशाल्लाह। दूसरा मौका मिलेगा इस दुनिया के अंदर, वहां नहीं मिलेगा, इस दुनिया में मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर गलती ना मिले, गलती ना मिले, दूसरे को ब्लेम नहीं कर। आप कभी भी अगर किसी गलती पे दूसरे को ब्लेम करेंगे तो याद रखिएगा दूसरा बंदा आपके इख्तियार में नहीं है। अगर आप किसी गलती को, किसी एरर को किसी ऐसी जगह पे सुपर्द करेंगे, किसी को ऐसे ऐसे को ब्लेम करेंगे जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोले यार दिन ही खराब था मेरा, आप इस दिन का कुछ कर सकते हैं? आप खुद आए आप दिन बदल सकते हैं? नहीं। आप बोले यार टाइम ही खराब था, आप कुछ कर सकते हैं टाइम का? आप टाइम नहीं बदल सकते। आप बोले यार कि मेरा नसीब ही खराब है, आप नसीब का कुछ कर सकते हैं? या आप बोले यार मेरे उसको कारोबार को नजर खा गई, आप बचा सकते हैं? आपके इख्तियार में। नेवर एवर ब्लेम। अगर आपको लगे भी ना है तब भी नहीं करिएगा, क्योंकि यह आपकी दिली खुदकुशी होगी।